Hello. This is uh, Shankar Davul, and uh, in my series of giving you about things about astrological tips, I'm going to talk about uh, certain very basic principles of prediction, which one should understand, First thing, which is most important, and which is the king planet. विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लानट है हमारा वो कौन सा होता है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट प्लानट एंड अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लानट मेरे हिसाब से है वो है बृहस्पति जुपिटर इफ जुपिटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर हॉरास्कोप देन यू नो यू यू आर वह के लिए सब चीज़ जिंदगी में अच्छी होंगी बट जुपिटर डज नॉट मीन कि जुपिटर वेल प्लेसड मीन्स एंड ही मैं जब बात करता हूँ आपसे तो मैं राशियों की बात नहीं करता हूँ मैं ज्यादा घरों की बात कर रहा हूँ तो जब मैं घरों की बात कर रहा हूँ तो हाउसेज के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड हाउस इट इज़ नॉट अबाउट द राशिज सो दैट आई डोंट नो कॉम्प्लिकेट विद राशिज इट अंडरस्टैंड हाउसेज फर्स्ट द हाउसेज ऑफ कॉलपोरुश नाउ इन द हाउसेज ऑफ कॉल से जुपिटर इज से लेट से एक्सॉल्टेड इन दोर्थ हाउस वी फील इट इज एक्सॉल्टेड इन द फोर्थ हाउस इट इज बहुत ही स्ट्रांग जुपिटर है मगर ऐसा नहीं है बिकॉज गुरु के चार जगह होते हैं विच इज़ जो उसके जड़ होते हैं विच इज़ दू नो रूट जो जुपिटर को स्ट्रेंथ देते हैं जो कि उसके एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जुपिटर के विच ऑफ द एनर्जी पॉइंट्स ऑफ जुपिटर वो हैं आपका सेकेंड हाउस फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस दूसरा पांचवा, नवा और बारवा ये चार घर हैं जो आपके बृहस्पति के मतलब जड़ है रूट पॉइंट्स हैं जहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है जुपिटर कहीं भी प्लेस्ड हो तो इन चारों घर में इनके फ्रेंड्स प्लेस्ट होना चाहिए गुरु के अगर खाली हैं कोई बात नहीं मगर अगर, अगर मान लो दूसरे घर में चंद्रमा है पांचवे घर में सूर्य है यू you नो know, एंड नवागर खाली है और बृहस्पति आपके बारहवें घर में इट्स एन एक्सेलेंट को मतलब पर्सन को जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं हर चीज़ उसको मिलेगी जुपिटर गुरु होता तो जुपिटर आपको बहुत धनाड़ नहीं बनाता आपको करोड़पति अरबपति तो आपको शनि राहु केतु ये प्लैनेट्स बनाते हैं मगर एक जिंदगी जिसमें कि आप आराम से रह रहे हैं काम कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं प्रमोशन मिल रहा है बच्चे अच्छे हैं बीवी अच्छी है आगे के आपके पुष्ट अच्छे हैं आपने थोड़ा सा धन भी इकते तो जो बृहस्पति होता है गुरु ये सब चीज़ें देता है मेरे हिसाब से जिस हॉरस्को में हर चीज़ होती है फैमिली हो बच्चे हो शादी अच्छी हो धीरे धीरे आदमी उठता है ख़र्चा अच्छी जगह होता है तो वो आदमी ज़्यादा खुश है बृहस्पति एक आदमी अरा हो और उसके बच्चे अच्छे ना हो उसके रिश्ते अच्छे ना हों जो मैंने अपने आई सीन सो सोमनी मैंने बहुत हॉर्स्कोप्स देखी हैं एंड दैट इज वॉट आई सी इन मोस्ट ऑफ द हॉर्स्कोप सो वेन यू सी विच इज़ द किंग प्लानट इट इज जुपिटर सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सी जुपिटर हाउ जुपिटर इज इन हॉरस्कोप एंड जुपिटर के जड़ में दैट इज सेकेंड फिफ्थ नाइन्थ एंड ट्वेल्थ शुड नॉट हैव प्लानट्स उनके अंदर प्लानट्स जो गुरु के दुश्मन हैं जैसे कि आपके शनि हैं गुरु का गुरु के लिए अच्छा नहीं सोचता एक बार गुरु शनि का अच्छा कर सकता है मगर शनि गुरु के लिए अच्छा नहीं करेगा तो पाँचवें नवे बारहवें में शनि ना हो राहु ना हो केतु ना हो आपका बुध ना हो ये जो प्लैनेट्स हैं ये अच्छा नहीं करते मेरे हिसाब से शुक्र सम है मगर राहु केतु और शनि ये अगर पाँचवें नवे बारहवें में प्लेस्ड होते हैं तो इट इज़ बैड एंड सूर्य चंद्र वगैरह एंड बुद्ध ऑल्सो is अ वेरी negative. बुद्ध और गुरु की बहुत ही दुश्मनी है तो बुद्ध शनि राहु केतु अगर ये आपके सेकेंड दूसरे पाँचवें नवे बारहवें में प्लेस्ड हैं एंड इवन इफ दो यू एवन एग्जॉल्टेड जुपिटर तो आप अरे बड़ी अच्छी पत्री नहीं अच्छी पत्री अच्छी नहीं है इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गई मगर अगर आपका गुरु चौथे घर में है और दूसरे या पाँचवें या दूसरे नवे या पाँचवें नवे या नवे बारहवें में सूर्य चंद्र मंगल सन मून मार्स Are there then the horoscope becomes very strong. So you have to first see this planet which is Jupiter. इसके बाद अभी देखिए आपके horoscope में कौन सा ऐसा planet है जो कि बहुत strong है that is very important and in the strength of the planets मतलब जिस एक ऑर्डर में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ जिससे कि जो भी वीडियो सुने वो पूरी चीज़ समझ जाए हम जिस देखते हैं श्रेणी में देखते हैं या उसके उसमें देखते हैं कि सेकेंड कौन से प्लानिट्स कहां पर क्या है तो सबसे पहला प्लान तो हमने आपको बताया है गुरु है दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है सूर्य तीसरा चंद्रमा चौथा शुक्र देन कम्स योर अदर प्लैनेट्स दैट इज बुध शुक्र के बाद बुध शुक्र के बाद मंगल सो इट इज गुरु सूर्य चंद्र गुरु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल मंगल के बाद बुध बुध के बाद शनि राहु केतु तो इस तरह जो हमारे नौ प्लैनेट्स हैं इनकी जो श्रेणी है आ, अच्छाई करने की ये हमारे मेरे हिसाब से अगर आपका गुरु स्ट्रांग है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पत्री है सूर्य स्ट्रांग है तो कुछ चीजें देगा आपका तो आपके प्लानिट में इस, इस, इस श्रेणी में और इनकी एक हमने क्षमता बना दी नौ नौ उसकी कि गुरु सबसे नंबर वन पे प्लेस करते हैं सेकंड नंबर या दूसरे नंबर पर हम आपको सूर्य है तीसरे पे चंद्रमा है चौथे पे हम शुक्र को बोलते हैं फोर्थ में मंगल को बोलते हैं फिफ्थ में आपके बुद्ध देन शनि राहु एंड केतु सो दैट नाइन प्लानट्स आर इन 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 दिस वे तो इस तरह आपको देखना चाहिए कि इन प्लानट्स में कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लानट है अब हमारे जो हॉरोस्कोप मैफ्यूसी जो प्लानिट्स एग्जोल्टेड होते हैं वो केंद्रोही में होते हैं मतलब आप काल पुरुष पत्र में देखिएगा तो मंगल जो है वो पहले घर में एक्जॉल्टेड है चौथे घर में जूपिटर एग्जॉल्टेड होता है गुरु जिसे कहते हैं सातवें घर में शनि सातवें घर में शनि एग्जॉल्टेड है और दसवें घर में मंगल एग्जॉल्टेड है हम राशि की बात नहीं कर रहे हम खाली काल पुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं इनमें पहले चौथे सातवें दसवें घर में ये प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड है इतना याद रखिए सात मिनट का वीडियो हो गया इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पे ज़्यादा चर्चा करूँगा आगे बढ़ाऊंगा कि वॉट हाउ टू सी प्लानिट्स हाउ टू सी योर हॉरोस्कोप एकदम से एक राजयोग देख कर आदमी उछल जाता है ऐसा नहीं होता बड़े बड़े राजयोग पड़े रहते हैं और लोग भीख मांग रहे हैं समझे तो इट्स यू हैव तो टू सी द हॉरोस्कोप इन अ वेरी डिफरेंट वे सो दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू टीच यू सम बेसिक टिप्स जो मैंने बहुत सारी हॉर्स्कोप्स देख के बताई हैं आई एम नो गॉड बट दिस इज वॉट इट इज़ आपको मेरे बारे में जानना है तो गो टू तो माई वेबसाइट शंकर स्टडी डॉट कॉम uh, मेरे व्हाट्सएप नंबर और जो ई मेल आई डी है देट इज़ नाइन एट वन एट सेवन थर्टी थ्री थाउजेंड ई ई मेल आई डी इज़ कनेक्टिंग स्टार्स एट जी मेल डॉट कॉम मगर ये मेरा कोई पेशा नहीं है इट्स अ हॉबी मेरा रिसर्च है मेरी पूजा है तो आप लिखिएगा इसका जवाब ज़रूरी नहीं कि मैं दूँ समय मिलेगा तो मैं जवाब दूँगा मेरे पास हजारों आ रहे हैं तो मतलब जब समय मिलेगा कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई में देखूँगा किसी के तो उसका जवाब दूंगा तो प्लीज़ यू राइट इट व्हेन आई गेट द टाइम आई विल राइट आंसर योर क्वेरीज थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट फॉर नाउ थैंक यू